ये बात वैसे ही अच्छी नहीं है, कंट्रोल फ्रीक होना तो एक वैसे साइकोलॉजिकल बीमारी भी है, लेकिन उनको होता है हर इंसान मेरे ऑर्डर फॉलो करे, मैं जो कहूँ वो सुनी जाए, मैं जब कहूँ सुनी जाए, जैसा कहूँ सुनी जाए, और मैं जो हूँ हर किसी को अपने कंट्रोल में रखूँ, और उसकी वजह से हर वक्त उनको एंग्जाइटी भी रहती है, हर वक्त टेंशन भी रहती है, हर वक्त मुँह भी ख़राब रहता है और मूड भी ख़राब रहता है, उसकी वजह से मुँह ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। तो ये सारी आदतें जो होती हैं ये नेगेटिव लोगों के अंदर होती हैं, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर इन सब में से कोई एक ना एक आदत जो है वो ना हो। एक आदत ही दूसरी बुरी आदत को जो है जन्म देते हैं। कभी ना कभी हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कभी आपको भी एनवी होना शुरू हो जाती है, कोई चीज़ आपको बड़ी देर से चाहिए हो, किसी और को उसके अब्बा जी लेके दे दें, तो आपको टेंशन तो बड़ी होती है कि यार मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसकी ज़िंदगी कितनी आसान है। लेकिन हर बार ये सोचा करें कि देने वाला अल्लाह ताला है, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो दुनिया में जो कुछ भी हो, और लेने वाला भी अल्लाह ताला ही है। तो अल्लाह ताला का शुक्र करें, प्लीज़ अपने दिल के अंदर जो है बुरी बुरी चीज़ें जो है ना लेकर आया करें, कोशिश करें कि इन सारी आदतों में से कोई भी आदत आपके अंदर ना हो, और अगर कोई है और आपके अजीज़ दोस्तों में तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में होगी। तो ये सात चीज़ें किसी और में नोटिस करते हैं, अपने में नोटिस करते हैं, इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें। आज हमारा शो बहुत 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 इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है। हम बात करेंगे जो बिल्कुल छोटे बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न से लेके अंटिल 1 to 2 months वाले, इनकी नशोनुमा की और इनकी माँ की जो नशोनुमा होती है, जो उस वक्त क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट सा पीरियड होता है, आप फीड भी करा रहे होते हैं बच्चे को, इस वक्त आपकी डाइट का ख्याल रखना बहुत 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 ज़रूरी है। मैंने रिसेंटली कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, इसके ऊपर हम कभी पूरा शो भी करेंगे, कि हम जब मेल न्यूट्रिशन करते हैं, कि अंडरफेड बच्चों की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में कोई जो है बहुत ही डिप्राइव थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, एक बहुत ही जिसकी रिब्स नज़र आ रही होती है, उस तरह का बच्चा आता है। ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो अंडरफेड है, स्पेशली माएँ जो सही खुराक नहीं ले रही हैं, और उसके बाद बच्चे को भी जो है, क्योंकि उसका एक ही खुराक का जरिया होता है जो उस वक्त माँ होती है, उसको भी प्रॉपर नशोनुमा प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही होती। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। पहले मैं पैनल अनाउंस कर दूं कि हमारे साथ कौन कौन होगा। हमारे साथ होंगी मेहरीन नरगिस, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन है, और हमें एक बहुत ही अच्छा सा डाइट प्लान बताएंगी माँ के लिए कि उसने इन शुरू के महीनों में डिलीवरी के बाद क्या खाना है। हमारे साथ होंगी शेफ हिना, जो कि आपको बनाना सिखाएंगी बहुत ही देसी सी, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, देसी पंजीरी जिसको हम कहते हैं, किस तरह बनानी है आपने, और उसके फ़वाद भी आपको बताएंगी। हमारे साथ होंगी किरण, जो कि हैं साइकोलॉजिस्ट, और आज चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करेंगे हम, माँ के मेंटल स्टेट की हम बात करेंगे, बच्चे के ऊपर इतनी छोटी उम्र में क्या उसकी साइकोलॉजी डेवलप हो रही होती है कि नहीं, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजा मोहम्मद इमरान, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और वो भी आपको स्पेशल फीड उस दौरान माँ की क्या होनी चाहिए, कौन से साइंस होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा हेल्दी है कि नहीं है, क्या क्या पैटर्न आपको देखने पड़ते हैं, क्योंकि उस वक्त बच्चा बोल नहीं सकता, तो सारी चीज़ें आपको खुद ही नोट करनी पड़ेंगी, ये हमें डॉक्टर साहब बताएंगे। और हम शो स्टार्ट करेंगे मियाँ नईम साहब से, जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, और आज आपके कुछ ख्वाब हम तक पहुँच चुके हैं जिसकी ताबीर हम आपको बताएंगे। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक इन्फॉर्मेटिव सा शो स्टार्ट करते हैं आपके साथ। वेलकम बैक टू मेहेकती मॉर्निंग। नया साल है और आप सबकी रेजोल्यूशंस बन चुकी होंगी, और आज जो मैंने ओपनिंग की है उसके अंदर जो मैंने आपको सात आदतें बताई हैं नेगेटिव लोगों की, कोशिश कीजिएगा कि आपकी एक रेजोल्यूशन वो आदत छोड़ना भी हो अगर आप में कोई है, और उसी को लेके आगे जो है मैं मियां नईम साहब के साथ कंटिन्यू करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये कौन सी सात आदत आपने देखी? ये मैं आपको भी बताती हूँ। देखिये, एक मैं शुरू में मैंने ये बात की कि आप, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप एक न एक ऐसे इंसान को जरूर जानते होंगे जिसके अंदर ये सातों चीजें हैं, ठीक है? और अगर आप ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते, इसका मतलब वो इंसान आप है। ये अक्सर ऐसा होता है ना, बिल्कुल सही है ना, कि ये तो ऐसे कहा जाता है कि हर फ्रेंड्स ग्रुप में ना एक सबसे अनोइंग फ्रेंड होता है, जिसको पसंद नहीं होता, जो लोगों को नहीं पसंद होता कि वो उनके साथ हो, ठीक है? और अगर आप ऐसे किसी को नहीं जानते तो इसका मतलब है कि वो आप हैं। तो ये बड़ी पते की बात की है ना, बड़े पते। तो अगर आपको ऐसा लग गया कि नहीं, इसका मतलब आपके अंदर शायद वो आते हैं, तो आपने अपने अंदर से निकाली। पहली आदत जो मैंने बताई थी वो ये थी कि वो किसी की कामयाबी में कभी खुश नहीं होते, ठीक हो गया, ठीक है? और उससे उसका ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर वो खुद कामयाब नहीं है या खुद उन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा नहीं है, उन्हें बड़ा अल्लाह ने नवाजा होता है, लेकिन वो बस खुश नहीं होता, बिल्कुल ठीक है? उन्हें होता है कि कुछ नहीं, वो कभी अपनी गलती नहीं मानते, बिल्कुल ठीक, ठीक है? फिर वो मसले का हल नहीं निकालते, बहस मुबासे में चले जाते हैं, ठीक है? फिर दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, अपनी ऑब्लिगेशंस उन्हें कोई नहीं लगती, एंटाइटल्ड फील करते हैं, ठीक है? और ड्रामा बनाना, हर चीज को खींचना, एक के पास जाकर रोना, दूसरे के पास रोना, बातें करना, गिले करना, ठीक है?
गॉसिप करना, दूसरे की टांग खींचना, बुरा भला कहना लोगों को, ठीक है, उनकी पीठ पीछे, और हर किसी के ऊपर अपना कंट्रोल जताना कि मेरे कंट्रोल में रहे। और एक और बात भी मैंने की थी कि अगर कोई भी इंसान आपके साथ बैठ के अपने किसी दोस्त की बुराई कर रहा है तो ये ना समझे कि वो आपका कभी सगा हो सकता है। बड़ी पते की है, दूसरी पते की बात ना, दूसरे पते की बात। देखिए नए साल के साथ बड़ा है, क्यों होता है ऐसे, लोग क्यों होते हैं? मैं एक चीज बताता चलूं कि जिंदगी में वो लोग जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जिन्हें अपनी जात पे एतमाद होता है, उनके अंदर ऐसी नेगेटिविटी नहीं होती, जो कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल सही। और ये जितनी भी आपने गुफ्तगू की, ये कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी के साइन है। और होता यह कि ये वो लोग होते हैं जो किसी से जेलस होते हैं या किसी को अपने से बेहतर समझते हैं और खुद उन्हें महसूस होता है कि हम वहां तक नहीं जा सकते, या कभी कभी वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। मैं अच्छे घर में पैदा हो गए हूँ, मेरे पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, सारा कुछ है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज बता दूं कि कुछ चीजें होती है गॉड गिफ्टेड, बिल्कुल मेरी नजर में वो अहम नहीं है कि आप कहाँ पैदा हुए, आपके माँ बाप के पास क्या आसाइश थी, क्या सहूलतें थी, नहीं, काबिल फखर और खुशी की बात ये है कि आपने अपनी जात के अंदर क्या काबिलियत पैदा की, बाएसे फखर वो बात है। बिल्कुल सही है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो बड़े छोटे से लेवल से उठा, अपनी जात में एतमाद पैदा किया, किसी एक एरिया में एक्सेल किया, वो इम्पोर्टेंट है, वो एक कामयाब शख्स है। होता क्या है कि ऐसे लोग जिनकी मैंने मिसाल दिया है, इस तरह की बातें आपको उनमें ज्यादा मिलेगी जो माशी तौर पर सेटल है लेकिन जहनी तौर पर वो थोड़ा पस्त है। बिल्कुल तो वहाँ पे जब वो कम्पीट नहीं कर सकते, मसलन एक शख्स है, चार दोस्त बैठे हैं, कोई एक जैसे कहते हैं शमा महफिल है, गुफ्तगू करने वाला है, जोक छोड़ने वाला है, मजे की बात, वो लाइमलाइट वैसे ही ले लेता है, वो ले लेगा। अच्छा, जो नहीं कर पाता उसके अंदर ये चीजें उठती हैं लेकिन एतमाद नहीं है छह लोगों में बैठ के बात करने का, वहां वो कहकर देखा इसी मौके पे उसने ये बात गलत की, वो दूसरे के साथ मिलके ना उसका मजाक उड़ाएगा, ये अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, ये कह रहा है। देखिए गलत मौके पे गलत नहीं, खुद एतमादी बुनियाद है सारी चीजों की, इसलिए मैं ये समझता हूँ वो लोग। अच्छा, फिर अगेन माय सब्जेक्ट, एस्ट्रोलॉजी के लिए जब हम देखते हैं तो पर्सनैलिटी एनालिसिस होते हैं, और जो मैं कहता हूँ कि ये इल्मे नजूम एस्ट्रोलॉजी, और मैंने इसका एक खास नाम भी रखा हुआ है, ये आपकी जात की तरबियत करती है। अच्छा। और मुझे वो लोग पसंद हैं जब कभी मेरे पास आते हैं और मुझसे ये कहते हैं आपने ये बताना है कि हमारी जात की प्रिंसिपल है कि हम अपनी ही बात कहते किस अंदाज से हैं, अगर डिमांड करेंगे तो दूसरे के लिए ऑर्डर है, रिलेशनशिप में एक दूसरे के ऑर्डर मानना तकलीफ देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डर हो या वाइफ, ऑर्डर तो चलता ही नहीं, रिक्वेस्ट मोहब्बत, मोहब्बत के एलिमेंट के साथ अगर ये कहा जाए कि मुझे ऐसे पसंद है या आप ऐसे अच्छी लगती हैं या आप ऐसे अच्छे लगते हैं, वो चीज मोटिवेट करती है, कन्विंस करती है, उसमें तब्दीली आती है। बिल्कुल बिल्कुल, तारीफ भी हो रही है साथ साथ अपनी पसंद भी जो इजहार कर रहे हैं तो उस पर फिर अमल भी होता है। अच्छा जी, नबीला पूछ रही है कि पहले उन्होंने तारीफ की, आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच, कि मैंने ख्वाब में देखा कि किसी को आग लगी हुई है और मैं बुझाना चाह रही हूँ लेकिन बुझ नहीं रही, प्लीज इसका जवाब बहुत जरूरी है देना। अच्छा, नहीं वाकई बहुत जरूरी है, इसलिए कि किसी को आग लगी हुई है और मैं बुझाना चाह रही हूँ, बुझ नहीं चल रही। बेसिकली ये कुछ इस तरह के इश्यूज इनकी जात के साथ दिखाई दे रहा है कि कोई बर्निंग क्वेश्चन या कुछ डेस्परेट डिजायर है। अच्छा, जिसको ये पूरा करना चाह रही है लेकिन वो हो नहीं पा रही। अच्छा, ये बुझाना जो है, ये बुझाना अपनी सेटिस्फाई करना है उस इंस्टिंक्ट को, उस डिजायर को, उस ख्वाहिश को। अच्छा, ये उससे रिलेटेड है। तो हो सके आप गौर ये करें कि इन दिनों में आप क्या सोच रही हैं, क्या चाहती हैं, ये आपकी जो डिजायर है कि बुझाना चाहती हूँ, बुझ नहीं पड़ रही, हो सकता है कि आपकी ख्वाहिशात ऐसी हैं कोई चीज खरीदने की, कुछ करने जिसके वसाइल नहीं, अफोर्ड नहीं करती और वो आग भड़क रही है। अच्छा। इस चीज को उसके साथ जब आप रिलेट करेंगे तो आपको अपने ख्वाब का जवाब मिलेगा, और जवाब में मैसेज ये है कि अभी वक्त इसके पूरा होने का नहीं है, काम डाउन एंड रिलैक्स। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, आयशा सियालकोट से पूछती है कि मैं ख्वाब में बहुत बड़े परिंदे देखती हूँ और बहुत फ्रीक्वेंटली देखती हूँ, बिल्कुल ठीक है, इसका क्या मतलब? गुड साइन, अच्छा ख्वाब है। अच्छा, अपनी जात के अंदर पॉजिटिविटी को एड करें एंड यू वॉन्टेड टू अचीव अ सर्टेन लेवल गोल, हाई गोल जिसमें आप प्रोमिनेंट हो, नुमाया हो। अच्छा, ये वो ख्वाब है, ये वो ख्वाब तो अच्छा ख्वाब है, बहुत अच्छा ख्वाब। अच्छा, एक और सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी, हम आपको कैसे, ये तो
ये समझ सकते हैं आपको, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 9th April 1998, ठीक है। सबसे पहले तो उम्र का अंदाजा लगाएं, ठीक है। फिर उनका सवाल है कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। मेल है फीमेल है? फीमेल है। फीमेल है। आयशा है सियालकोट से, ठीक है। एरी साइन है, नंबर 9 है। अच्छा, एरी साइन बड़ा एंबिशियस साइन होता है, नंबर 9 और ज्यादा शार्प और एंबिशियस साइन होता है, और अमूमन ब्रेन इनकी रूलिंग प्लैनेट होता है, तो अपनी उम्र और एज से ज्यादा बड़े लोग होते हैं। अच्छा, एज से बड़े सवाल इसीलिए भी उन्होंने किए। इट्स टू अर्ली टू टेल कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वक्त बच्चे अपने आप को सेटल करें, पढ़ें, जिंदगी बनाएं। टाइम विल टेल यू कि क्या आपके लिए अच्छा है, फिर उस वक्त फैसला कीजिएगा। एक बड़ा डिटेल से सवाल पूछा हुआ किसी ने मुझसे, इसके बाद हम वाइंड अप भी करेंगे, लेकिन इसका मैं जवाब जरूर दूंगी। इनका नाम है रिजवाना सोहेल, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 30th October 1977, ठीक है। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 8th April 1974, ठीक है। ये पूछ रही है कि हम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से गुजर रहे हैं बहुत अरसे से, प्लीज मुझे बता दें कि कब तक ये ठीक होगी, और मेरे हस्बैंड की हेल्थ भी बहुत डिटेरियोरेट कर रही है। इनका बेसिकली जो है ना, जो साइन हम देखते हैं तो अपनी बाकी इन्होंने से काफी लंबा पीरियड गुजर गया, तकरीबन 2009 से। अच्छा। ये एक साइकिल चला 6 इयर्स का, इसमें तब्दीली आ चुकी है। अच्छा। लेकिन वो होता है ना कि पुराने वक्तों के मसाइल सॉर्ट आउट होते होते भी वक्त लगेगा, और ये पीरियड जो इनका मार्च 23, 2017 जो स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद से इंशाल्लाह इनकी फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट और आएगी। हेल्थ के हवाले से मैं बताता चलूं कि बेसिकली ये जब हम बात करते हैं ना कि वक्त बुरा होता है, तो उसमें सारी चीज इकट्ठी आती है, हेल्थ, फाइनेंस, सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। जब ये इम्प्रूव होगा तो साथ साथ हेल्थ होगी। हेल्थ उनका एरीज एरिया है, तो उसमें ये लिब्रा है, वो एरिया सोच और फिकर का है, जिसमें फ्लक्चुएशन, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें शूट करती है, फाइनेंशियल प्रेशर तो, वो है। कोई खुदा न खासा ऐसी कोई हेल्थ नहीं है, और जब ये ज्यादा होती है तो फॉल्स पेन भी महसूस होते हैं, कभी दिल को, कभी इधर उधर, सारा कुछ। ये बेसिकली सारे स्ट्रेस की निशानी है। माँ की नशोनुमा कैसी होनी चाहिए और बच्चे का आपने किस तरह ख्याल रखना है, हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल होगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे। करवा रही हैं कुछ, आप उसको बॉटल फीडिंग करवा रही हैं, तो फिर आप 250 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा जो हैं आप यूज़ करेंगी। न्यूट्रिशन को उसी हिसाब से आपने बैलेंस करना है, हेल्दी प्रोटीन्स का आपने इस्तेमाल करना है, हेल्दी कार्ब्स का आपने इस्तेमाल करना है। आपकी डाइट में ज़रूर बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिंस होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, आयरन रिच सोर्सेज का आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंतखाब करना है, जैसे इसमें फ्रेश जूसेस आ जाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स आ जाते हैं। मदर को अबंडेंट अमाउंट में इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत कहा जाता है ना फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड का जो है तो ज्यादा है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी आयरन इनटेक को हम ज्यादा जो है तो फोकस करते हैं। अच्छा। और फिर जो फीडिंग मदर्स हैं उनकी अक्सर ये कंप्लेंट होती है कि फीड हम ठीक से नहीं करा पाते या फीड ज्यादा नहीं होता, तो उसमें दो चीजें आपने जरूर करनी है, वाटर इनटेक और मिल्क इनटेक आपने जरूर करनी है। मिल्क पे भी बास खवातीन क्या करती हैं कि दिन में किलो किलो दूध पी लेती हैं, डेढ़ किलो दूध पी लेती हैं, कि ज्यादा दूध पिएंगे तो ज्यादा फीड करवा सकेंगे। न्यूट्रिशनली ऐसी कोई चीज भी नहीं है। अच्छा। आप वाटर इनटेक आप ज्यादा रखें, अगर आप नॉर्मली आप 8 ग्लास पी लें, आप 10 ग्लास पी लें, आप 15 ग्लास पी लें, 2 से 3 कप आप विद इंटरवल्स आप मिल्क का इस्तेमाल करें। जैसे 1 ग्लास सुबह पी लिया, 1 रात को पी लिया, आपने दोपहर में या शाम में 1 कप आपने दूध पी लिया, दिन में 2 से 3 कप दूध इज एनफ। इसके अलावा आप वाटर इनटेक करें और डाइट आप ज्यादा लें। जब आप दूध ज्यादा पीती हैं और पानी आप ज्यादा पीती हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पेट भर जाता है, फिर हम मदर को कहते हैं दूसरी चीजें नहीं, वो दूसरी चीजें नहीं खाएंगी। कितनी मदर्स हैं जो सैलेड्स खाएंगी, कितनी मदर्स हैं जो फ्रूट्स लेंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आप एक कंडेंस एनर्जी का इस्तेमाल करना है, 2500 किलो कैलोरीज। अब ये तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा चीजें खाएं, आप बेशक कम खाएं लेकिन ताकत वाली चीजों का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूध पी रहे हैं तो आप उस दूध में एक खजूर डाल दें, एक बनाना कर दें, थोड़े से नट्स ऐड कर दें, तो आपका एक जो मिल्क शेक है वो आपका एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, लैक्टोज इंटॉलरेंट मदर्स के लिए जो मिल्क नहीं पी सकती, ठीक है, उनके लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे? और दूसरा ये, व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस इज कि कुछ जो ओवरवेट मदर्स होती हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो वो एक डाइट प्लान पे होती हैं ऑलरेडी, ठीक है। और अगर तो आपने किसी न्यूट्रिशनिस्ट का एडवाइस डाइट प्लान फॉलो कर, जो बिफोर प्रेगनेंसी अंडरवेट थी वो हो सकता है 15 to 16 kg वो वेट गेन करे। अच्छा। तो मतलब ये अंडरवेट, आइडियल वेट और ओवरवेट मदर्स का वेट गेन डिफरेंट होता है।
अच्छा, अगर आप अभी कोई डाइट प्लान ऐसा उठा रहे हैं इंटरनेट से जो आप कह रहे हैं कि जी आपने वेट गेन करना है, तो और जो 10 दिनों में यू नो 10 केजी लूज करें टाइप जो होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा नुकसान देते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना वेट गेन देखना है कि 9 मंथ्स में आपका नॉर्मल वेट गेन आपका कितना होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा जो ओबीस मदर्स हैं डेफिनेटली हमने उनको थोड़ा सा उनको कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करने होते हैं, ये चीज हमने देखनी होती है कि वेट गेन हो लेकिन ओवर वेट गेन ना हो जाए, यानी उनकी न्यूट्रिशन पूरी हो, उनको बच्चे की न्यूट्रिशन, क्योंकि जाहिर है यही जो टाइम है मदर की न्यूट्रिशन है ये बच्चे की पूरी जिंदगी पे इफेक्ट करती है। अच्छा। और जो स्टार्टिंग हमने जैसे डेज की बात की थी 28, तो आप दूसरे का कैसे करेंगे? हाँ। इट्स वेरी, और वो जो आप कह रहे हो कि यस मदर्स इन लॉ इवन ओन मदर्स बड़ा वो फील करती हैं कि है यू डोंट लाइक योर चाइल्ड तो मैं अपना बच्चा इस शुड्स में से निकलना चाहिए। बिल्कुल, कैसा होना चाहिए ये शुड, और मेरे ख्याल से बहुत सी दफा इस हॉस्पिटल में भीड़ लगी होती है ये भी एक शुड है कि नहीं बच्चा हुआ है हमें जाना चाहिए। बिल्कुल, ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत बड़ा कल्चरल चेंज है जो हमें लाने की जरूरत है। अच्छा, पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम एक अपनी बात कह सकते हैं, हम कन्वे कर सकते हैं तमाम लोगों को। बहुत ज्यादा वर्किंग लेडीज को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज में कि बच्चे को फीड कराने में बहुत सारे इदारों में कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई आइसोलेटेड जगह नहीं होती कि जहाँ वो बच्चे को फीड करवा सके। तो हर जगह पे चाहे वो छोटा बड़ा कोई इदारा है, कोई बैंक है, कोई भी जगह है, वहाँ पर कोई जरूर ऐसी जगह होनी चाहिए, स्पेशली जैसे कोई यूनिवर्सिटीज है या कुछ, जहाँ पे मदर अपने बेबी को फीड करा सके। बिल्कुल, एक सेपरेट एक नर्सिंग रूम होना चाहिए, कोई ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए जहाँ पर वो फीड करवा सके, क्योंकि ये भी बहुत एक बड़ा एक हमारा एक ड्रॉबैक है अक्सर। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग, हमें ज्वाइन किया आपकी फेवरेट शेफ हिना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? उदास लग रही है मुझे थोड़ी। बिल्कुल भी नहीं, पंजीरी नहीं पसंद आपको? मुझे बताइए, कोई गिला है इससे? अरे नहीं, पंजीरी बड़ी मजे की चीज है, बड़ी हैवी किस्म की खुराक है और मेरे ख्याल से खानी चाहिए। हाँ। मैंने एक्सपीरियंस किया है बच्चों की दफा में, जब नहीं खाओ तो क्या होता है और जब खाओ तो क्या होता है। अच्छा, हमसे भी शेयर करें क्या आप, होता है? आपको भी मैं एडवाइस अभी से करी कि जरूर खाइएगा। अच्छा। और मेरे ख्याल से तो आप 6 महीने पूरे ही खाते रहेंगे। मैंने सुना है कि पंजीरी जो है वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होती है, बहुत अच्छी। डॉक्टर साहब भी है हमारे पास, तो साइंस की तरफ से भी हमें पता चल जाएगा कि हाउ इफेक्टिव दिस इज। लेकिन ये एक बड़ा देसी टोटका है, देसी जो बहुत अरसे से चल, जो हमारे मेरे ख्याल से जो फोर फादर्स, जो हमारी दादियां पर नानियां करती थी ना, वो ठीक ही करती थी। हम जो आजकल की जनरेशन नहीं ना खाते, बाद में हमें पता चलता है कि वो हम गलत हैं इस मामले में। हम कहते हैं मोटे हो जाएंगे, जबकि कुछ भी नहीं होता। मोटे उस वक्त ठीक है, खाना चाहिए मोटे करें। नहीं कि वेट अगर आपने पुट ऑन करना है, वो जितनी भी अंडरवेट बच्चियां हैं जो हमें कॉल करके कहती हैं आप सारे डाइट पर शोज करती हैं, आप वेट पुट ऑन करने के लिए कुछ नहीं बताती, पंजीरी से वाकई जो है हेल्दी वेट गेन होता है, लेकिन वेट गेन होता है तो आपने साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखनी है। अगर पिज्जा खा रही है तो क्या उससे वेट गेन नहीं होगा? हाँ, अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, क्या फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, वेट गेन होगा ना? ये तो फिर हेल्दी चीजें हैं जिसके अंदर आपको देसी घी है, आपके नट्स हैं, हर लिहाज से फायदेमंद चीजें हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत हेल्दी वेट गेन। और अगर आपने हमारे लाहौर वाले शो देखे थे तो हमने आपको एक मॉडर्न पंजीरी भी बनाना सिखाई थी, जिसके अंदर हमने ओट्स और डार्क चॉकलेट और ये सारी चीजें इस्तेमाल की थी, उस तरह की वो मॉडर्न पंजीरी है, मॉडर्न पंजीरी अगर आपने उसको इस्तेमाल करना है। जी, इसमें क्या क्या? अच्छा, इसलिए तो बहुत जो है ना क्विक सी एक रेसिपी और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ है सुंदर। आप अगर बाजार जाना चाहते हैं, ज्यादा सारी चीजें लाना चाहते हैं तो लाएं, अदरवाइज अगर आपके पास घर में देसी घी है, थोड़ी सूजी है, थोड़े से नट्स हैं, अगर नट्स ढेर सारे हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ मेरे पास चीनी है, इलायची है और ये है कमरकस। ये तो आपके लिए जो खासतौर पर जो सिजेरियन वाली पेशेंट्स होती हैं उनके लिए, और जो वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी वाली भी हैं, जो इसमें ये लाजमी डलता है कि बैक के लिए आपकी बहुत अच्छा है। अच्छा, जो ओरिजिनेट जो है ना, जो ओरिजिनल पंजीरी है वो तो आपको पता है दाल मूंग से बनती है। अच्छा। उसको ग्राइंड करके उससे बनाया जाता है। अच्छा। लेकिन जब आपके पास एक चीज अवेलेबल नहीं है, आप उसको अल्टरनेट है सूजी। अच्छा, ऐसा भी होता है हमारी, तो मेरी अम्मी, मेरी मुमानी वगैरह तो दोनों को मिक्स भी करते हैं। अच्छा। इस तरह भी करते हैं सूजी को और दाल मूंग को। अच्छा। लेकिन ऐसा है कि नहीं है तो आप एक चीज ओमिट कर दें, आपको हो सकता है दाल की पसंद ना आए। अच्छा। या आपकी मर्जी पे। मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ, मुझे बनानी आती है जो पठान पंजीरी होती है और वो बड़ी मशहूर है हमारे। पहले बता देती ना, तो मैं उसकी रेसिपी तैयार करती हूं और उसकी वो इतने मजे की होती है कि उसके लिए पहले बनाई जाती है पूरी उसको, तो मुझे आधी उर्दू जो है ना नहीं आती, सॉरी, तो पश्तो के वर्ड इस्तेमाल करूंगी। तबख एक चीज होती है जो ईंट की, जो वो होती है ना ईंट का जो मटेरियल होता है उससे पूरा तवा बनता है, वो मिट्टी के अंदर ही बनाया जाता है, उसके ऊपर बनती है डोडी।
और उस डोडी का फिर सख्त वाला पार्ट उतार के जो उसके बीच वाला नरम वाला गुदा होता है उसको फ्राई किया जाता है पहले प्याज के साथ और गुड़ के साथ और सूजी की जगह जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है या दाल में उसकी जगह वो वाला जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और वो बड़े उसका इतना अच्छा टेस्ट होता है और वो मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई अगर मुझे मिल जाए इस्लामाबाद में जो वो चीज बना सके लेकिन कोई भी नहीं बनाता। आप रेसिपी बताएं तो आप वो डोडी नहीं बनती वो डोडी मैंने इतनी तैयारी की है ना। अच्छा बस ठीक अगर आप तवे पे मुझे वो डोडी बनाना सिखा देना मोटी, तो मोटी बनती है वो इतनी बड़ी होती है और अच्छा, इतनी मोटी होती है अच्छा, और उसके बीच में ना वो जो उसका आटा होता है सख्त भी नहीं होता बस वो पका हुआ होता देखिए ऊपर से वो सख्त हो जाएगा ना ऊपर से और नीचे से लेकिन वो अंदर से तो नरम ही रहेगा अंदर से जो है वो नरम वो तो ऑटोमेटिकली नरम रहेगा बेक भी कर सकते हैं उसको कई लोग ये हम लोग जो है ना इसके ऊपर बात करेंगे ठीक है अलग से बनाना आपको सिखाएंगे। अच्छा एक चीज सुंदर ये जो हमारे पास है ना कमरकस इसको थोड़ा सा ना आपने गरम करना है अच्छा ये एक पिंच डलेगी जैसे आपके पास ये एक एक बाउल है ना मेरे पास ये रेसिपी में एक बाउल सूजी है देसी घी है इसमें आपने सिर्फ एक पिंच डालना है वरना ये बहुत ज्यादा कड़वाहट दे देती है। अच्छा ठीक और दूसरी चीज जो हमारे पास सूजी है सूजी को पहले से आपने ब्राउन करना है थोड़ा सा हल्का सा ठीक है मैंने ये ऑलरेडी थोड़ी सी घर से की थी ठीक है ताकि हमारे पास टाइम जरा सा सेव हो जाए। अब जैसे ये हल्का हो जाएगा ना ये आपको नजर आ रहा है ना ये इसके अंदर मैंने तो थोड़ा सा अभी आकर ये किया है कार्डमम को थोड़ा सा कूट लिया ठीक है थोड़ा सा ये नरम हो इससे जो होगा कि ये नरम हो जाएगा तो इजी हो जाएगा कूटने में ठीक है। डाल ली हमने सिर्फ एक पिंच ही है। अच्छा ये रेसिपी जो है ना देखने में तो अभी हल्की सी लग रही है आपको पता है हर घर पे ही बनती है 100% हर औरत को पता है हर घर में बनता है इसके अलावा नशास्ता बनता है कमरकस 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 आपको लेके आना पड़ेगा ये पंसारी से मिलती है आराम से ठीक है सही ये भी ऐसी चीज नहीं है हर चीज अब तो मिल जाती है ठीक है थोड़ी मेहनत दरकार है उसको हम थोड़ा सा कूट रहे हैं ये साथ साथ अभी भी देखते रहिए। अच्छा डॉक्टर साहब अब आप मुझे बताएं पंजीरी वाकई का फायदेमंद है या ये भी एक मिथ टूटने वाली है लोगों में। पंजीरी की जो ज्यादा डिटेल है वो तो डाइटिशियंस बताएंगे लेकिन दिस इज हेल्दी इट्स हेल्दी मतलब इसमें कोई फैट्स नहीं होती इसमें ना देयर इज नो फैट्स और मेरा ख्याल शायद कोलेस्ट्रॉल भी इतना ज्यादा नहीं है इसमें देसी घी है तो वो तो गुड फैट्स ही है गुड फैट्स में जो है वो चला जाता है। दूसरी जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी 2500 कैलोरीज की और फिर साथ में हमने जैसे वेट के हिसाब से बात की 2500 कैलोरी एक अच्छी खासी कैलोरीज है यानी अगर हम 3000 कैलोरीज पर डे तो हम जो जिम वाले लड़के होते हैं हम उनको 3500 कैलोरीज कहते हैं कि आप इतनी बॉडी बिल्डिंग वाले लोग इस्तेमाल करें तो 2500 कैलोरी एक अच्छा खासा वेट होता है। प्लस हमने ये चीज भी इसमें देखती है कि वो बच्चा जो कि न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो ये खुराक सिर्फ मदर की नहीं है ये उसकी भी खुराक है तो ये एक खुराक है जो दो बंदे इस्तेमाल करें तो वहाँ पर पंजीर के जो फैक्ट्स हैं वो जाहिर है कि प्रोटीन्स इसमें बहुत ज्यादा होती है। आप इसमें ड्राई नट्स जो बीच में इस्तेमाल करते हैं आप जो बीच में देसी घी डाल रहे हैं आप इसमें जो कार्ब्स बीच में सूजी वगैरह जो आप ऐड करें तो एक बहुत बैलेंस न्यूट्रिशन है। फिर दूसरे इसके अलावा जैसे मदर को हम बार बार अक्सर मदर्स हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता घर पे गेस्ट है मेहमान है कि वो बार बार अपने लिए जाएं और कुछ बनाती रहें तो पंजीरी एक बहुत अच्छी सी मतलब एक आसान तरीना रखने थोड़ी थोड़ी देर के बाद वक्त से इस्तेमाल करें रिच न्यूट्रिशन है। खासतौर पर डॉक्टर साहब जैसे मेरी मदर तो हम लोगों को तो कहती है कि सुबह नाश्ते के टाइम पे खाएं 3-4 चम्मच मिड ब्रेक में अगर आपने 4 बजे स्नैक टाइम पे है तो ये खाएं अच्छा बजाय कोई और चीज खाने के। अच्छा मुझे पंजीरी बहुत ज्यादा पसंद है मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि बहुत रैपिडली वेट गेन होता है इससे बहुत बहुत क्विकली बिकॉज आई थिंक सो विद इन अ मंथ I put on 4 kgs को खुद यहाँ पे बता रही हूँ बट that's because मैं ये भी एडमिट करूंगी कि मेरी कोई उसके साथ एक्सरसाइज वगैरह जो है वो नहीं थी तो अगर आपने बैठे बैठे ही सारा काम होस्ट करना है और साथ में पंजीरियाँ खानी है तो वो जो है आपका वेट तो आप तो भी वजन पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये हमने अच्छा, जो है देसी घी के अंदर डाल दी है देसी घी में हमने 3-4 इलायची के दाने लिए थे उनको थोड़ा सा गर्म किया ठीक है। बननी इसने सिर्फ देसी घी में ही है ये याद रखिएगा इसके लिए ये आपको लाजमी लाना पड़ेगा बाकी आपकी चॉइस पे आप इसमें 4 मगज डालें ठीक है। आप इसके अंदर वो मिलते हैं फूल मखाड़े मिलते हैं वो डालें ठीक है। पम्पकिन सीड्स मिलते हैं वो आप डालें आपकी चॉइस पे ढेरों नट्स हैं जो मर्जी डालें लेकिन जो बेसिक है ना ये तो लाजमी डलेगा देसी घी मस्ट है इसके बगैर इसका जायका ही नहीं उठेगा ये आप बना के रख लें। अच्छा इसमें एक तो ड्राई हम बनाते हैं ना एक सुंदर बिल्कुल थोड़ी सी सूजी के साथ ये नट्स भून के और इसके अंदर दूध भी डाला जाता है अच्छा पतला सा करके वो भी लोग अच्छा, इसकी जगह हम शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं शक्कर भी इस्तेमाल करें लेकिन ये थोड़ा मोटा मोटा मुंह में आता है ना तो ये भूनने के बाद जब भी आप खासकर दाल की बनाते हैं तब तो बहुत ही मजे की लगती है ये अच्छा दाल का लेकिन टेस्ट बड़ा स्ट्रांग होता होगा ना डेफिनेटली लेकिन वो आपको पता है प्रोटीन है और अच्छी होती है सेहत के लिए अच्छी ये तो बेसिकली मेरे ख्याल से उनके लिए हम बना रहे हैं जिन्होंने कभी नहीं देखा या जो मुल्क से बाहर हैं और कभी इस चीज का इत्तेफाक नहीं हुआ
वैसे तो आई थिंक हर कोई बनाता अच्छा, हाँ. होगा ही. बच्चों के लिए अगर आप पसंद करते हैं कि बच्चे भी खाएं तो आप इसमें कमर कस ना डालें, बाकी जो चीजें आपको लगता है इससे कड़वी हो जाती है. कड़वी होती है बिल्कुल, एक पेस्ट डालें. लेकिन औरतों के लिए तो ये बेहतरीन चीज है ना. ठीक है, जितनी वैसे मर्द भी खाते हैं ये भी मैंने देखे. हाँ नहीं, इट्स गुड फॉर योर बोन्स, सो आई थिंक सो ये अच्छा ही है, हेल्दी मील है. जब तक हम ये भून रहे हैं मैं वापस जाऊंगी वहाँ पे और मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, क्योंकि एक तो बच्चे होते हैं कॉलिक और मैंने अक्सर माओं को देखा है कि जब बच्चा रो रहा होता है तो वो पहले उसके कान में ड्रॉप्स डालती हैं, फिर नाक में डालती हैं, फिर उसको कॉलिक होने के चक्कर में कुछ पिला देती हैं, फाइनली वो चुप हो जाए. नहीं पता होता कि कहाँ पे दर्द था लेकिन वो ठीक हो जाता है. तो ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो माओं को पता होने चाहिए बच्चों के लिए? हमारे यहाँ जो न्यू बॉर्न बेबीज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो दो हैं, एक रिफ्लक्स और एक कॉलिक्स. प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ वो ये है कि लोग समझते नहीं है. मतलब अगर एक बच्चा रो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बीमार ही है तो रो रहा है. एक हेल्दी बच्चा भी रो सकता है. जैसे हमारी एक रूटीन है तो एक न्यू बॉर्न बच्चे की अपनी एक रूटीन है, उसकी एक अपनी लाइफ है. हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर बच्चा फीड ठीक ले रहा है उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ रो रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कॉलिक्स होते हैं. कॉलिक्स नॉर्मली उन बच्चों में ज़्यादा होते हैं जो फार्मूला मिल्क्स पे होते हैं. जो बच्चा ब्रेस्ट फेड होता है उनमें चांसेस स्टिल चांसेस आर देयर लेकिन कम होते हैं. ज्यादा हमारे यहाँ मिक्स फार्मूला चल रहा होता है, कभी ब्रेस्ट फीड करा लिया कभी फार्मूला दे दिया, तो डेफिनेटली उन बच्चों में कॉलिक्स जरूर होते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि हम उसको गैर जरूरी मेडिकेशंस घर में खुद से ही करते रहते हैं या फिर लोकल जीपी से गैर जरूरी दवाइयां देते रहते हैं, जिसमें मेजोरिटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली एंटीबायोटिक्स है. अच्छा, यदि बच्चा रो रहा है तो उसको या तो आईवी एंटीबायोटिक्स मिल रहे हैं या उसको ओरल एंटीबायोटिक्स मिल रहे हैं. अच्छा, मतलब उसको कोई असेस नहीं करता कि ये बच्चा. इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स क्या है, बच्चे की जो वेट है बर्थ पे, एक न्यू बॉर्न जो बेबी है न्यू नेट उसका वेट इंपॉर्टेंट है. अच्छा, उसकी फीडिंग इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली देखें नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा जो डिलीवर होता है शुड बी 2.5 Between 2.5 and 3.5 एक healthy weight. 2.5 to 3.5 kgs. और three months पे almost जो birth weight है वो double हो जाना चाहिए. ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम वेट बच्चा ठीक गेन कर रहा है, उसकी स्लीप भी ऑन एंड ऑफ ठीक होती है, लेकिन बच्चा जब रो रहा होता है तो सारे पैनिक क्रिएट करते हैं. बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो उसको ट्रीट. तो कॉलिक्स के लिए बेसिकली जो सेफ रेमेडीज हैं दैट आर वेरी गुड, या फिर कुछ हर्बल चीजें हैं जो हम एंटीबायोटिक्स ना, नो एंटीबायोटिक्स नो मेडिकेशन. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सेडेटिव्स और एंटी एलर्जिक्स और इस तरह की चीजें जैसे फनरगन बहुत कॉमन हमारी प्रैक्टिस में है कि मदर्स ने उठाए होते हैं. जी बच्चा सोता नहीं, फनरगन सफर पे जाना हो तो वो तो आपके पास एक बोतल पड़ी होती है. तो बच्चे के जो आईक्यू पे है और Oh, I feel so sorry for some kids I know जिन्होंने, मुझे पता है कि माओं ने specially जो ज़्यादा travel करती हैं तो उन्होंने कोई भी जो है ये sedative जो होती है वो बच्चों के लिए रखी भी होती है, थोड़ी थोड़ी पिला देती हैं कि बच्चा सोता रहे. लेकिन आप सोचें, और यहाँ पर एक और बड़ा important issues अगर हम address कर रहे हैं तो ये जो आपको कहीं भी मांगने वाली नज़र आती हैं जिन्होंने बच्चा कभी इतना ज़्यादा नहीं सोता. भाई आप किसी बच्चे को देखो, उसने पूरी रात भी जागने और उसने दिन में भी जागने, अगर वापस घंटे उनके घर पे होता है. आई थिंक कि अगर आप ना, वो आते ही नहीं है मेरे पास और मैंने कहते हैं दिखाएं इस बच्चे ये सो किस तरह रहा है, तो बेचारे बेहोश होते हैं. और इससे आप सोचें कि आगे उनकी ब्रेन डेवलपमेंट क्या होगी. न्यूनेट है, हमने बेसिकली उसकी साइकोलॉजी तो समझना है कि वो है क्या. अब प्रॉब्लम क्या है कि जी बच्चा सारी रात रोता रहता है, सारी रात रोता है, सारी रात रोता है. अब हमारी ये रूटीन है कि हम दिन में काम करते हैं रात को सोते हैं. अच्छा, जब सारी रात रोता है इफ यू टेक 5 मिनट्स विद द मदर तो वो बताएगी जी सारा दिन सोता है. हाँ. तो जो बच्चा सारा दिन सोता है उसे सारी रात रोना है, मतलब उसका डे नाइट अपोजिट है हमारे से. है, तो हर बच्चे की डिफरेंट अपनी एक रूटीन है, तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर बच्चा फीड ठीक ले रहा है, वो अपनी नींद पूरी कर रहा है, उसके यूरिन स्टूल की रूटीन नॉर्मल है, तो ट्रीट एज अ हेल्दी बेबी, उसको कोई मेडिकेशन करने की जरूरत नहीं. अच्छा, दूसरी भी आपने एक बात बताई, एक रिफ्लक्स. रिफ्लक्स हमारे यहाँ बहुत कॉमन है. रिफ्लक्स नॉर्मली स्टार्ट होता है जिन बच्चों में होता है, जरूरी नहीं सब में हो, लेकिन ऑलमोस्ट 50% बच्चों में रिफ्लक्स होता है. बर्थ से स्टार्ट होता है अप टू 2 वीक रहता है. ज्यादा जो पीक इसके मंथ्स होते हैं 4 to 6 months होते हैं कि बच्चे दूध, आपने सुना होगा जी दूध पीता है निकाल देता है, दूध पीता है निकाल देता है जी, वॉमिट कर रहा है बच्चा, फटा हुआ दूध निकाल रहा है. अब उसके साथ इम्पोर्टेंट ये है कि जो न्यूनाटोलॉजिस्ट है या जो पेडियाट्रिशियन है उसको सोचना चाहिए कि जो बीमारियां इसके साथ देखने वाली हैं वो मैं देख लूँ कि इस बच्चे में है कि नहीं. अगर तो कुछ भी नहीं है तो डोंट ट्रीट, लीव इट. उसके साथ जो मॉनिटर करें उसकी ग्रोथ, उसका वेट, उसकी जैसे डाइट है और ये स्लीपिंग सारे पैटर्न चीजें मॉनिटर करें. अगर सब कुछ ठीक है तो उसको ज्यादा ट्रीट मत करें. हमारे यहाँ
GERD को भी जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स है या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है उसको भी ओवर ट्रीट किया जाता है. अच्छा, हर चीज का मतलब सॉल्यूशन तक आपने जो है ना कुछ ना कुछ दे के पहुंचाना होता है, हालांकि बच्चों को जरूरत नहीं होती. फिर एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ जी की डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने दवाई नहीं दी तो नेक्स्ट टाइम इसके पास नहीं जाना, ही इज नॉट अ गुड डॉक्टर. साइकोलॉजिकल एक बात है कि ड्रिप नहीं लगाया, टीका नहीं लगाया, ठीक ही नहीं हुआ बच्चा, कुछ भी नहीं. हमारी भी जो प्रैक्टिस है हमारे प्रोफेशन में भी, अब एक डॉक्टर है और वो अपने 4 घंटे की ओपीडी में 80 बच्चा देख रहे हैं, बिल्कुल, या 70 बच्चा देख रहे हैं, दिस इज टोटली अनएथिकल. एक पेशेंट को एटलीस्ट 15 मिनट्स या 20 मिनट्स जब आप देंगे तो आपके 50% पेशेंट ऐसे होंगे जो विदाउट मेडिकेशन विद सेटिस्फेक्शन घर जाएंगे. बेसिकली बच्चा ठीक होता है, माँ ठीक नहीं होती. वो 50 कंप्लेंट्स लेके आती है, आप उसको 3 मिनट्स देते हैं क्लिनिक में और वो 2 कंप्लेंट्स उसकी आप सुन लेते हैं, 48 को आप एड्रेस ही नहीं करते. वो घर जाती है शाम को दूसरे के पास, सुबह दूसरे के पास, और उसमें क्या होता है कि अननेसेसरी मेडिकेशंस देते हैं. मदर की इन्होंने बात की, पास अगर मदर भी कुछ ऐसी डाइट्स यूज कर रही होती है जो वो भी अल्टीमेटली बच्चे को इफेक्ट कर रही होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम ब्रेक के बाद डिटेल में डिस्कस करते हैं कौन सी डाइट डायरेक्ट बच्चे को इफेक्ट करती है. एक और चीज डॉक्टर साहब की, ये जो रिफ्लक्स है दिस इज वेरी डेंजरस एज वेल बिकॉज बच्चे इस पे चोक कर जाते हैं, तो इसका कोई हल तो डेफिनेटली होना चाहिए. उसमें जो हम सजेस्ट करते हैं वो ये कि आप उसको 15-20 मिनट्स बब कराएं और अच्छा। बच्चे को जब आप फीड कराएं तो एटलीस्ट 20-30 मिनट्स आप उसको करवट पे लटाएं, साइड पे लटाएं, पीछे को पिल्लो रखते हैं, को ब्लैंकेट रखते हैं ताकि बच्चा अगर रीगर्ज करे तो वो साइड पे निकाले, सीधा ना लटाएं, हमेशा हेड साइड को थोड़ा सा प्रॉप अप करके रखें. अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये अगर आप सब करेंगे वाकई इतनी छोटी सी एज में अगर आप उसको इतनी दवाइयां दे देंगे तो बड़े होकर उसका क्या ही हाल होना है. हमारी पंजीरी रेडी है जी, है बहुत कम इंग्रेडिएंट्स थे और फटाफट बन गई है, जबरदस्त हलवा लग रहा है. जल्दी से ब्रेक लेंगे, बना के जार में रख लें कवर करके. और ये खराब इसकी एक्सपायरी डेट क्या है इसकी? नो लिमिट्स, नो एक्सपायरी, नो लिमिट्स, नट्स हैं, देसी घी है और सूजी, इसने क्या खराब होने है, क्या है खराब. देखिए ये बात जो है ना, ये आपने पहले ही खा लेनी है खत्म, खराब होने से पहले, खराब होने से पहले टेंशन नहीं लेनी आपने. टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके साथ. वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग. हम हैं यहाँ पे महरीन के साथ और आपको उनका फेमस डाइट प्लान हम बता रहे हैं. आज डाइट को एज डाइटिंग वाली डाइट ना लीजिएगा, जो हम लोग उर्दू का जो मीनिंग है ना लुगत वाला डाइटिंग का, आज हम आपको बता रहे हैं वो डाइट जो एक माँ को जो है डिलीवरी के बाद स्पेसिफिकली कितने अरसे के लिए खाना है. ये सुंदर इस पर डिपेंड करता है कि जब तक मदर टोटली फीड करवा रही है बेबी को खुद. अच्छा, तो हम कहते हैं कि 6 मंथ्स के बाद या 5 मंथ्स के बाद वीनिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है जिसमें हम बच्चे को कोई नरम गिजा वगैरह भी शुरू कर देते हैं. तो उससे पहले तक का जो फेज होता है तब तक मदर ने ये 2500 कैलोरी की जो है तो डाइट इसमें ऐड करनी है और आराम से इसमें यूज करनी है. बाकी जैसे हमने कहा था कि प्रोटीन ज्यादा होनी चाहिए, वाइटामिन ज्यादा हो, आयरन इनटेक बीच में ज्यादा हो, और बेशक आप कम खाएं लेकिन ताकत की चीजें खाएं. जैसे अक्सर डाइट प्लान में अक्सर ये चीज भी होती है, मुझे भी फीडबैक लोग देते हैं कि इतनी सारी चीजें नहीं खाई जाती, तो आप इतनी सारी बेशक ना खाएं, आप कम आइटम्स आप लें लेकिन आप क्वालिटी ऑफ आइटम्स का बीच में यूज करें. आप उसका इंतखाब आपका बहुत वाइज नहीं होना चाहिए. जैसे पंजीरी की अभी हमने बहुत अच्छी सी एक हमने डिश बनाई, दिन में अगर आप 4-5 मरतबा पंजीरी खा लेते हैं तो आपकी आराम से आपकी कैलोरीज पूरी हो जाती है. तो ये कोई मुकाम नहीं है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चीजें. और वो डाइट प्लान में हमेशा हम कहते हैं कि वेट लॉस के बारे में डाइट प्लान सिर्फ वेट लॉस के नहीं होते, हर इंडिविजुअल, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर मदर, हर मेल, हर बंदे का एक अपना डाइट प्लान होता है जो उसकी एज, उसकी हाइट, उसके वेट के अकॉर्डिंगली होता है. तो ये हम हमेशा एक सैंपल प्लान्स बनाते हैं, ये एक सैंपल प्लान्स होता है, एक नमूना होता है कि आपकी डाइट इस तरह की होनी चाहिए, यही नहीं होनी चाहिए इस तरह की, तो थोड़ी बहुत रद्द बदल करके आप अपने प्लान को खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं. हम यहाँ पे प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं और एक बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैंने पूछी नहीं, मेरी ना आप लिखना शुरू कर दीजिए साथ में, ठीक है. डॉक्टर साहब ये जो टाइम पीरियड है फीड का ये कितना होना चाहिए? जनरली 1.5 से 2 साल बताया जाता है, तो ये लड़कों के लिए लड़कियों के लिए कोई डिफरेंस है इसमें? लड़कियों लड़कों का ऐसा कोई डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक बच्चे को 2 साल तक ब्रेस्ट फिट करना चाहिए. हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो फैमिली प्लानिंग नहीं है. एक बच्चा अभी 1.5 साल का होता है और पीछे एक सेकंड बच्चा होता है या साल का होता है तो एक सेकंड बच्चा आ जाता है, तो वो पहले वाला जो बच्चा है वो डेफिनेटली कम्प्रोमाइज करता है. इसलिए नॉर्मली एक बच्चे को 2 ईयर्स ब्रेस्ट फिट होना चाहिए अलॉन्ग विद वेनिंग विच वी स्टार्ट फ्रॉम 4 मंथ्स. 4 महीने पे हम
नरम गजाएं शुरू कर देते हैं। हाँ, तो मतलब एक आइडियल जो आपका गैप होना चाहिए बिटवीन टू किड्स वो 3 इयर्स एटलीस्ट होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किरण, मैं आपसे पूछना चाहूंगी इमोशनल बॉन्डिंग के लिए, बिकॉज मैं बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, छोटे बच्चों को, एंड ऐसे ऐसे मसाइल आते हैं सामने के आपने कभी सोचा भी नहीं होता, जिस तरह साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो रहे होते हैं, एंड जिनके ज्यादा मतलब यू नो फ्रीक्वेंटली मैं कहूँगी जिनमें गैप नहीं है बच्चों के, उन बच्चों की अटैचमेंट अपने पेरेंट्स से नहीं थी, दे वर नॉट वेरी, मतलब वो शायद अपनी टीचर से ज्यादा अटैच्ड हैं या वो मेड से अपनी ज्यादा अटैच्ड हैं, आया से ज्यादा अटैच्ड हैं, तो ये गैप ना होने का क्या असर होता है? एज आई मेंशन पहले कि एक प्राइमरी केयर गिवर का एक कॉन्सेप्ट है, वो चाहे माँ हो, भाई हो, बहन हो, दादी हो, नानी हो, आया हो, टीचर हो, चाइल्ड वांट्स अटेंशन। ये अब आप छोटे से स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात करिए, बिल्कुल थोड़े बड़े बच्चों की, लेकिन दे वॉन्ट अटेंशन, जहाँ से उनको वो मिलेगा उनकी एक फेमिलियरिटी, एक अटैचमेंट फॉर्म हो जाती है, सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैचमेंट। एक सिक्योर अटैचमेंट हो जाती है कि उसको रीइन्फोर्स किया जा रहा है बच्चे को, द चाइल्ड राइट फ्रॉम बर्थ, एक इशू चाइल्ड का होता है, ये डिफरेंट डिवेलपमेंटल स्टेजेस होती है ट्रस्ट का, द फर्स्ट मोस्ट क्या कहेंगे बेसिक टेंशन चाइल्ड को होती है इज ट्रस्ट, कैन आई ट्रस्ट माई प्राइमरी केयर गिवर। और जी बिल्कुल, उस वक्त क्या होता है क्योंकि वो ग्रेटिफिकेशन के प्रिंसिपल पे चल रहा है, कॉग्निशन तो है नहीं। और जैसे मैं अभी पहले ब्रेक में बात करी थी कि व्हेन क्राइंग से बहुत माएं परेशान होती, बच्चा रो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड से सुने, दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, बच्चे की स्टेट्स है, बच्चे की क्या स्टेट है कि एक्टिव है लेकिन इनएक्टिव है, इन द सेंस कि नॉट क्राइंग बट एक्टिव है, रिस्पॉन्ड कर रहा है सेंसेशंस, क्योंकि वो हर जगह से अब्सॉर्ब स्टिमुलाई कितना ज्यादा है, लाइट सेंसिटिव बहुत होता है, हंगर के हवाले से बहुत सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर वेरिएशन, अब इधर कोई कमी पेशी आ रही है, हाउ इज अ चाइल्ड टू कम्युनिकेट, तो वो रोएगा। द बॉन्डिंग जो हमने पहले बात की थी, जो फर्स्ट इनिशियल वो होते हैं, कभी बार कुछ माओं का नहीं होता, जो खासतौर पर पोस्टमार्टम डिप्रेशन या सी सेक्शन हो या कुछ बीमार हो जाए या वीक हो या मैल न्यूट्रिशन हो, उन माओ में ना एनर्जी होती है ना कैपेसिटी होती है कि बच्चे को ख्याल रखें। अच्छा। लेकिन वो बॉन्डिंग चलो ठीक है देर से हो रही है, लेकिन वो बहुत लाजमी है, क्योंकि उसी दौरान माँ समझेगी बच्चे की क्यूज, वो ये कौन सा रोना है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और फिर कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से बच्चे, ये इधर होता है कि मैं हंग्री था, मैं रोया, मैंने डायपर चेंज करवाना था, मैं रोया या रोई, मेरी मानी, सो द चाइल्ड लर्न्स टू ट्रस्ट द मदर। हां सही, एंड दैट व्हिच इज वेरी बहुत रिसर्च इस पे हुई भी है, और वो जो मोमेंट्स होते हैं ना वो आपके पूरी लाइफ के रिलेशनशिप्स को उसका एक पैटर्न फिक्स हो गया। फर्स्ट इनिशियल मैटरनल इन्फेंट अटैचमेंट, वो फिर आप देखिए किसी के साथ भी होता है, जब भी वो रो रहा है जो उसकी जरूरत है वो जो पूरा करेगा कॉन्स्टेंटली, एक ट्रस्ट हो गया, मिसट्रस्ट भी हो गया, ये हम सिक्योर अटैचमेंट की तरफ चला गया है, व्हिच इज हेल्थी, दैट चाइल्ड इज ग्रो अप टू बी आईक्यू लेवल बड़ा हाई होता है, इम्यूनिटी बड़ी उनकी बूस्ट अप होती है। और मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आई केम अक्रॉस, इम्यूनिटी जो इम्यून सेल, इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं उनकी मेमोरी होती है ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, यस, सो इफ अ चाइल्ड इज क्राइंग और माँ नहीं उसको, वो परेशान हो रही है और वो नहीं उसको केटर कर रही बच्चे को, वो और ऊंचा रोएगा, वो और ऊंचा रोएगा, देन वो बच्चा रिक्लूज करके सो जाएगा। हाँ, उसने क्या सीखा कि मेरी माँ को कोई समझ नहीं रहा, उसकी अटैचमेंट सिक्योर नहीं हुई, ट्रस्ट डिवेलप नहीं हो रहा, और यही वो बच्चा लेता हुआ चलेगा, अनलेस कोई ऐसा रिपेरेटिव फिगर आ जाए उसकी लाइफ में जो उधर कमी पेशी हुई थी उसको पूरा कर दे। उफ, कितनी मतलब मुझे तो ये मैं खुद इतनी दफा सुन चुकी हूँ कि बच्चे जो बहुत ज्यादा रोते हैं, रोने दो खुद ही चुप हो जाएगा, हर वक्त पुचकारने की जरूरत नहीं है, हर वक्त उठाने की जरूरत नहीं है, गोद की आदत हो जाते हैं, दिस इज अ मिथ, स्पॉइल नहीं होते, स्पॉइल हो उसको तो गोद की आदत पड़ गई है, बच्चा ग्रेटिफिकेशन प्रिंसिपल पे रह रहा है, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट है अपने माँ, प्राइमरी केयर गिवर, बिल्कुल बिल्कुल माँ पे डिपेंड। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो ये मुझे आज पता चली है, क्योंकि अभी तक यही फॉर्मूला था कि बच्चे तो स्पॉइल, उसको तो गोद की इतनी आदत है तो गोद से उतरता ही नहीं, कडलिंग, रॉकिंग, हगिंग, आई कॉन्टेक्ट स्पेशली माँ, क्योंकि उसकी आंखें पूरी डिवेलप, विजन नहीं है, 30 सेंटीमीटर तक देख सकते, यू ब्रिंग, वो आपकी शक्ल कैसे गौर से देखता है, क्योंकि वो हर चीज अब्सॉर्ब कर रहा है, स्पंज जैसा होता है ना कॉग्निशन डिवेलप, तो माँ को अटैचमेंट के हवाले से उसकी सेंसेस को स्टिमुलेट करना लाजमी है, बहुत लाजमी, प्ले इन द वाटर, जब उसको शावर दे रही है, नहला रही है, बेथ कर रही है,
यू नो. और ये सिर्फ तब हो सकता है जब आप एट अ टाइम एक बच्चे को लेकर चल रहे और आपके पीछे है दो बच्चे और रो नहीं रहे हैं, ठीक है, जिनको तीनों को आपने केटर करना है. तो डॉक्टर साहब ने बहुत जरूरी बात की कि वक्फा बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, आई कांट एम्फसाइज इनफ. मैं तो, मुझे तो लोग जो है ना आई थिंक सो कुछ बुरा भला कहेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ अगर इस दुनिया की कोई मुसीबत है ना, कोई प्रॉब्लम है, उसकी जड़ ओवर पॉपुलेशन है. आपके इन्वायरमेंट के मसले हैं, आपके गुर्बत के मसले हैं, आपकी एक चीज मसले, जितने कम लोग उतना सुकून. जितना हम इस अर्थ को पॉपुलेट किए जा रहे हैं उतनी हम बीमारियां हर चीज बढ़ाए जा, जड़ एंड में इंसान ही है. तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यू नो, कि आप एक और आगे आप ये देख लें कि दुनिया के अंदर जितने मसाइल हैं कि ज्यादा होंगे कम नहीं होने वाले, जितने भी इन्वायरमेंटल हैं, तो 30 साल बाद क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी आपके उन बच्चों की. तो ये सोच के जो है ना बच्चे पैदा किए करें, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. एपिजेनेटिक्स में भी बड़ा फर्क पड़ता है बच्चे के. अच्छा, ज्यादा जेनेटिक्स पे किस चीज से? एपिजेनेटिक्स, एनवायरमेंटल जेनेटिक्स. अच्छा अच्छा, हाउ सो? व्हाट काइंड ऑफ एयर क्या हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, किस माहौल में बड़ा हो रहा है. देखिए, आपके घर ट्विंस पैदा हुए हैं, आइडेंटिकल, ठीक है, माँ बाप उसका रवैया बचपन से उसके, हम जो कहते हैं ना नॉन वर्बल बिहेवियर स्ट्रोक्स, उससे ही पता. आपने पहले, माँ ने पहले ट्विन का चेंज किया डायपर, और वो दूसरे तक नाचे थक गई, उसने अगर जोर से भी पकड़ लिया, उसकी कंसेप्शंस बन रही हैं. जितनी माएं घर में सुन रही होंगी उनको सारी अपनी वो जो दो तीन चपेड़े, वो डांटे, वो चीखे सब याद आ रही होंगी इस पर जो किया है. इसमें जस्ट अ लिटिल थिंग आई लाइक टू ऐड, बहुत सी दफा माएं अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल अवेयरनेस अनफॉर्चुनेटली नहीं है देहातों में, और थोड़े से कम जो एक्सपोजर वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है. और कुछ होता है कि हम एक ये साइकिल है, इट वाज वेरी आई कांट से ऑन एयर, लेकिन एक हमारे कॉलीग थे, उन्होंने कहा था कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ जो किया वो हम आगे लेके, आई मीन वूंडिंग, वो एक वो साइकिल, बेसिकली एंड में हम सब मिजरेबल ही हैं, यू नो, बिल्कुल. बट यू कैन ब्रेक द साइकिल, अवेयरनेस. दूसरा, आई वुड रेकमेंड सीक काउंसलिंग इफ यू फील कि मेरे, मुझे नरिशमेंट एज अ चाइल्ड नहीं मिली, मुझे कहीं मेरी तरबियत में कमी पेशी होगी. किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, कुछ हो गया एंड यू नो, उधर आप प्लीज सीक साइकोलॉजिकल हेल्प, कोई काउंसलिंग के हवाले से, यू कैन ब्रेक द पैटर्न. किरण, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल पूरी डेवलपमेंट है बच्चों की, इसके ऊपर हम एक पूरा शो भी करेंगे, जहां पर बच्चे के हर स्टेज के ऊपर क्या नशोनुमा होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे. मैंने यहाँ पर ज्यादा एम्फेसाइज इस पर उस पर भी नहीं किया है, जो सप्लीमेंट्री डाइट्स हम बच्चों को देते हैं और वो कितनी नुकसानदेह है, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं. पहले हम ये डाइट प्लान यहाँ पर डिस्कस कर लें. जी जी सुंदर, बिल्कुल डाइट प्लान हमारा बिल्कुल रेडी है. और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि ये जो डाइट प्लान है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये सैम्पल डाइट प्लान होते हैं, इसमें आपकी अपनी कंडीशन के हिसाब से देखना होता है. ये जो मैंने डाइट प्लान बनाया है, ये एक नॉर्मल वेट मदर के लिए बनाया है, जिसकी तकरीबन 2000 से 2500 किलो कैलोरीज उसकी डिमांड है. तकरीबन 2500 कैलोरी का हमने डाइट प्लान बनाया है. बहुत अगर मदर ऑलरेडी ओवरवेट है या ओबेस है, तो उनके लिए ये प्लान इतना रिकमेंडेड नहीं है. या आसान लफ्जों में ये कहूँ कि इसमें से कुछ आइटम्स जो आपको लग रहे हैं कि ज़्यादा कैलोरीज वाले हैं, वो आप कम कर लें, तो आपका इस तरह का प्लान हो सकता है. ब्रेकफास्ट में टोटल 4 आइटम्स का जो है तो मदर ने यूज़ करना है. लंच में 4 आइटम्स यूज़ करने हैं, डिनर में 3 आइटम्स, टी टाइम पे 2 आइटम्स, बेड टाइम भी जरूर लेना है. और बेड टाइम पे मिल्क बहुत अच्छी जो है तो एक सोर्स होती है, ताकि रात में मदर फीड करवा सके. और मिड नून स्नैक्स भी हमने एक आइटम यहाँ पर रखा है. ब्रेकफास्ट में 1 कप चाय के साथ तो जरूरी शुरुआत होती है, हमारी मदर जरूर पीती हैं. 1 एग आपने लेना है. ऑमलेट, इसमें कोशिश करें कि बहुत ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल ना करें. जैसे ऑमलेट भी आप बना रही हैं, आप बेशक आप 2 एग्स ले लें, लेकिन ऑयल आपने कम से कम यूज करना है. 2 ब्रेड आप टोस्टेड ले लें, या अगर आप चाहती हैं खुश्क रोटी खाना चाहती हैं तो खुश्क रोटी भी इसकी जगह पर हो सकती है. हल्का सा अगर आप उसको ग्रीसी करना चाहें तो ब्रेड आप टोस्टेड आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हैं. इसके साथ आपने 1 ग्लास आपने फ्रेश ऑरेंज जूस, आजकल सीजन भी है, फ्रेश ऑरेंज जूस आराम से आप यूज़ करें. अगर आप चाहती हैं इसमें थोड़ा सा एप्पल ऐड करना या कैरेट ऐड करना, तो फ्रेश जूस में आप, वो भी बहुत अच्छी सोर्स है आयरन की, वो आप इसमें ऐड कर सकती हैं. मिड नून स्नैक्स में हमने 2 चीज़ें बनाई. एक तो हमने रखा कि इसमें डेट, बनाना शेक, जैसे बात भी हुई थी, 1 कप दूध लेना है, उसमें बनाना लें, 1 खजूर ऐड करें. आयरन रिच सोर्सेस हैं दोनों. 1 ग्लास अपने लिए फ्रेश मिल्क शेक बनाएं, या फिर और जो है ये ऑप्शन है इसमें कि अगर इतनी मेहनत नहीं होती आपसे अपने लिए शेक बनाने की, तो पंजीरी, जैसे हिना ने बताई, पंजीरी आप यहाँ पर ऑप्शन में यूज कर सकते हैं. लंच में हमने जो है 4 आइटम्स का यूज किया. यहाँ पर 1 आपने ले ली चपाती,
नॉर्मल होल वीट की जो घर पे आप इस्तेमाल करते हैं मीडियम साइज की तकरीबन 65 से 70 ग्राम की एक चपाती लेनी है, इसके साथ में चिकन वेजिटेबल करी। अब यहाँ पे वो है कि आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है लेकिन आपने मीट के साथ में ऐड करनी है ताकि प्रोटीन्स का जो है तो वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। फिर आपने यहाँ पर रायता ले लिया, स्किम योगर्ट का हल्का सा, इसमें खीरा, टमाटर, प्याज आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्रूट आपने ले लिया 1 मीडियम, कोई सा भी फ्रूट जो आप पसंद करती हैं सीजनल आप यहाँ पर ऐड कर सकती हैं। ये हो गया टोटल आपका लंच। एक चपाती के साथ हम अंदाजा करें कि करी आप कितनी इस्तेमाल कर सकती है, बहुत है तो आधी प्लेट हो गई तो आपने करी खुद हिसाब करके इसमें ऐड कर देनी है। शाम में हम आ जाते हैं। अच्छा जी, आपका जो खाने का दौरानिया है वो 2-2.5 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जब आप लंबे लंबे वक्फे देती हैं, सुबह 8 बजे नाश्ता कर रही हैं और 3 बजे दोपहर का खाना खा रही हैं और फिर आप बीच में 12 बजे के गिला करें कि फीड नहीं आ रहा, तो फिर कौन जिम्मेदार है? मदर जिम्मेदार है, क्योंकि वो ये मील स्किप कर रही है, तो उसको फ्रीक्वेंट मील्स की जरूरत है, लंबे गैप्स आपने नहीं देने। टी टाइम में आपने क्या करना है कि टी लेनी है आपने 1 कप, शुगर फ्री या शुगर के साथ भी ले सकती हैं। इसके साथ आपने कोई भी स्मॉल स्नैक्स आपने ले लिए, चिकन सैंडविच ले लिया या शामी कबाब ले लिया या कोई भी चीज़ जो प्रोटीन आइटम हो वो ले ले। और अगर आपसे कुछ भी एफर्ट नहीं हो रही, अगेन आप इसको अल्टरनेट में पंजीरी यहाँ पर टी टाइम में भी आप ले सकती हैं। डिनर पे अगर हम आ जाते हैं तो बॉइल्ड राइस आपने लेने हैं 1 कप। बॉइल्ड राइस के अल्टरनेट में चपाती भी हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट की रिप्लेसमेंट आपने कार्बोहाइड्रेट के साथ में देनी है। इसके साथ में आप लेंगे दाल 1/2 कप बनी हुई। और आपके पास ऑप्शन है कि दाल या फिश में से आप एक चीज का इस्तेमाल करें। अगर फिश है तो 100 ग्राम्स तकरीबन 1 पीस और दाल है तो 1/2 कप। थर्ड पे आप आ जाएं तो मिक्स सैलेड आ जाती है। मिक्स सैलेड में तमाम चीजें जिसमें कॉर्न्स भी आ गए, ओलिव्स भी आ गए, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स मिक्स आपने बना लिया 1 कप। ऑप्शन है आपके पास कि अगर सैलेड नहीं लेना चाह रहे तो रायता आप ले सकते हैं। ठीक है। बेड टाइम पे अगर आप चले जाएं तो आपने 1 कप लेना है मिल्क नीम गर्म और इसमें 1 से 2 टीस्पून आपने पाउडर किए हुए नट्स का जो है तो इस्तेमाल करना है। ऐड करें, मिक्स करें और पी लें। वो मदर्स जिनको हम बार बार देख रहे हैं कि फाइबर रिच चीज़ें या बादी सब्जियां जैसे कच्ची सब्जी हो गई, मूली या गाजर, कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो जिनको इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है या वो थोड़ी सी बादी सब्जियां हजम नहीं कर पाती या बच्चों में इस किस्म के सिम्टम्स अगर वो देख रही हैं कि बच्चे ज़्यादा रो रहे हैं या बच्चों को वो चीज़ हजम नहीं हो रही, तो आप कुछ दिन ट्राई करके देखें। आप बादी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और फिर आप देखेंगे बच्चे का क्या इफेक्ट है। अगर उसका रोना कम है, उसका स्टमक ठीक है, इट मीन्स कि आपकी डाइट ठीक नहीं थी। उस सूरत में आपने ये नहीं करना कि आपने वेजिटेबल खानी छोड़ देनी है। वेजिटेबल्स आप लें लेकिन फिर वेजिटेबल या स्टीम वेजिटेबल्स आप लेंगे ताकि उसमें कच्चापन बाकी ना रहे। जब आप उसको स्टीम करके लेंगे तो वही विटामिंस न्यूट्रिएंट्स आपको पूरे मिलेंगे लेकिन वो आपके लिए भी सेफ होगा और फिर बच्चे के लिए भी सेफ होगा। कुछ ज्यादा चीजें जैसे कुछ खवातीन को अमरूद नहीं सूट करते या उनको मूली गाजर सूट नहीं करती, तो उनको हम यही कहते हैं कि आप ट्राई करें, आप 2-3 दिन छोड़ें और फिर देखें कि आपके बेबी का क्या इफेक्ट है। तो जो उसके रिस्पॉन्स होंगे उससे आपको पता चल जाएगा और आप अपनी डाइट में खुद ब खुद से चेंजेस करने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, सो कॉम्प्रिहेंसिव। और मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस तरह इन्होंने कहा कि अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है और उसके सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डॉक्टर को उसकी फिजियोलॉजी में कुछ भी नहीं नजर आ रहा है गलत, तो आपने जो है ये करना है कि अपनी जो डाइट है उसको चेंज करने की कोशिश करें। और डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि ये जो सप्लीमेंटल चीजें हैं माओं के लिए, प्रेग्नेंट खवातीन के लिए और बच्चों के लिए, इसका क्या नुकसान है ये आप बता दें, फिर हमारा टाइम भी जो है वो कम रह गया। जी, देयर इज नो सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट फॉर अ बेबी, आइदर अ न्यूबॉर्न और अ चाइल्ड। ठीक है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो अर्ली इन्फेंसी की और चाइल्डहुड की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें एनीमिया है, उसमें रिकेट्स है आपका, कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। प्रॉब्लम ये अनएक्सपोजर नहीं है ना, हम धूप को कभी लिफ्ट कराते हैं, अगर बच्चे को धूप लगती भी है तो खाली चेहरे पे, हाथों पे। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज कम्प्लीट न्यूट्रिशन, कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है उसको, विटामिन डी या धूप की सूरत में या फिर एज अ सप्लीमेंट, दैट इज द ओनली रिकमेंडेशन। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली डाइट रिलेटेड हैं, जैसे बच्चा भैंस का दूध पी रहा है, गाय का दूध पी रहा है, खाता कुछ नहीं है, मुख्तलिफ तरह के जो जैसे बहुत सारी आपकी कंपनीज के टीवी पे इश्तिहार चल रहे होते हैं, ये डालें ये डालें ये डालें, तो देर इज नो रिकमेंडेशन के आप कुछ भी दें। हमारे यहाँ जितनी भी फ्लेवर्ड चीजें हैं उनको हमें डिस्करेज करना चाहिए, बच्चों को नेचुरल घर की चीजें बना के दें। बिल्कुल। और जो माओं के सप्लीमेंट्स हैं जो उनको दिए जाते हैं, माओं के सप्लीमेंट देखिए, पहले मैडम ने बात की थी, द ओनली इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट इज फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड माँ को उस वक्त स्टार्ट करनी चाहिए व्हेन शी थिंक ऑफ कंसेप्शन। हमारे यहाँ देर इज अ ह्यूज बर्डन ऑफ हैंडीकैप बेबीज और दैट इज ओनली ड्यू टू फोलिक एसिड। एक सिंपल टैबलेट है जो मेरे ख्याल से 20 रुपए की 100 गोलियां मिलती हैं। अच्छा। मदर ने एक टैबलेट डेली लेनी है। देर आर लॉट ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे
कमर के पीछे फोड़े होते हैं, बच्चों के बड़े बड़े सर होते हैं, आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, दैट इज जस्ट ओनली फॉलिक एसिड नहीं लेती. देखिए, दिस इज सो इम्पोर्टेंट. और एक डॉक्टर साहब ने बात की, दोबारा मुझे गांव याद आ गया कि गांव में अक्सर बच्चों को पीलिया हो जाता था. ठीक है, अक्सर जितने भी बच्चे तो कॉन्स्टेंटली पीलिया तो करते क्या थे कि उसको सर्दियों में सिर्फ उसके ऊपर एक हल्की सी चादर डाल के मलमल की धूप में चारपाई में लिटा देते थे. ठीक है, वो साइड से कि ये इसको पीलिया हुआ है तो इसको धूप में जो है लिटाना है. और वही वाली बात है कि हाथों पर चेहरे पर धूप लगती है, वैसे बच्चे को जो है मिलती नहीं है. तो हमारे कुछ गाँव के तरीके हैं, ठीक है, कुछ में हम आगे आगे घुटी छुट्टी हमने छोड़ दी, लेकिन बाकी जो वो जनरल एक्सपोजर खेलना वेलना वो था, वो शायद हमें बच्चों की जिंदगी में वापस लाने की जरूरत है. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जितनी चीजें हम आज कवर कर सके हमने की हैं, जो रह गई हैं इंशाल्लाह हमारा पैनल हमारे साथ रहेगा, हम इनको दोबारा दावत देते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू किरण, आप पहली दफा आई हैं हमारे शो पे, डॉक्टर साहब से पहली दफा मेरी मुलाकात हुई आज, आप आती रहते हैं, आपका फिर भी शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. प्रोग्राम के लिए